मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज देखिए खूब सारी मैं मटर ले आई, बहुत ही सस्ती मुझे मटर मिल गई और मैं अब मटर का अचार बना के आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करने की सोच रही हूँ। ये 2 किलो मैं मटर लेके आई हूँ, बहुत ही बढ़िया दाने की भरी हुई मटर और बहुत सीजन है तो बहुत अच्छी सस्ती मटर मिल गई मुझे। अब मैं इन मटरों को छील के उसके बाद जो भी इसकी अचार की रेसिपी होगी, लाजवाब अचार बना के आपको मज़ा आ जाएगा खाने में, तो बहुत ही बढ़िया अचार की रेसिपी आपको शेयर कर रही हूँ दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मटर तो मेरी पूरी छिल गई हैं, ये करीब 1.25 किलो इसमें मेरे को दाना निकला। अब इन मटर को लेके हम चलते हैं किचन की तरफ, अगले की प्रोसेस किचन में होगी। ये भगोने में मैंने करीब 1.5 लीटर पानी लिया है और अब मैं इसको गैस को जला देती हूँ और इसके पानी के उबलने का वेट करती हूँ। इसमें अच्छी इस तरह से उबाल आ गया है और मटर भी मैंने ये धो के साफ कर ली हैं। अब मैं सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ये करीब 2-3 चुटकी चीनी डालूँगी। चीनी डालने से जो है मटर का जो है कलर बिल्कुल हरा रहेगा, कलर बिल्कुल ब्राउन कलर या हल्का कलर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। उसके बाद मैं खौलते पानी में ये धुली हुई मटर अपनी इसमें डाल दूँगी। खौलते पानी में आपको मटर को घड़ी में टाइम देख के सिर्फ 2 मिनट तक इसको पकने देना है। जब सारी मटर सतह के ऊपर आ जाएंगी तब आप इसको बंद कर दीजिए। ये धीरे धीरे देखिए सब मटर सतह पे आने लगी हैं। एकदम निकाल के हमें ठंडे पानी में डालते हैं, जो मटर हमारी उबल रही थी उसको ठंडा। आइस क्यूब्स डाल दिए। आइस क्यूब्स डालने के बाद ये पानी एकदम बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब बॉयल की हुई मटर की गैस को मैं बंद करके एक छलनी की सहायता से इनको एकदम चिल्ड पानी में डालूंगी। अगर हमें किस तरह चिल्ड पानी में ये जो मेरी मटर है एकदम देखिए कितनी बिल्कुल हरी, बिल्कुल जिस तरह से हमने अभी छीली थी बिल्कुल उसी टेक्सचर में ये मटर हमारी हैं। मटर पूरी तरह ठंडी हो गई हैं और इन मटर को मैं इस बोल में निकाल लूँगी। निकाल के इसे मैं धूप में फैलाऊँगी क्योंकि धूप बहुत अच्छी है। इनकेस अगर धूप नहीं आती है तो आप इसको फैन के नीचे भी किसी कपड़े में फैला सकते हैं और 3-4 घंटे फैलाने के बाद जब इसका ये बिल्कुल मॉइस्चर एकदम ड्राई हो जाए तो आप तब इसको फिर अचार की के लिए तैयार इसको आप मान सकते हैं। सारी मटर मेरी ये बॉईल होके और चिल्ड पानी में जाके एकदम बिल्कुल ठंडी हो गई हैं। अब इसको मैं कम से कम 2-3 घंटे के लिए बाहर सूती कपड़े में बाहर धूप में फैलाऊँगी। ये मटर को मैंने ये देखिए सूती कपड़े में इस तरह से धूप में फैला दिया। धूप 1.25 किलो मटर के दानों के हिसाब से मैंने ये जो उसमें मिलाए जाने वाले मसाले मैंने निकाल लिए हैं। ये सबसे पहले मैंने ये धनिया के बीज निकाले हैं, ये सब मैं सेक के इनको भून के तैयार करूँगी। भुने हुए मसालों का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है इसलिए मैंने ये धनिया निकाला है और ये सौंफ 2 चम्मच मैंने ली है और 25 से 30 दाने ये काली मिर्च के हैं, साबुत काली मिर्च। ये काला नमक 2 चम्मच, काला नमक 2 चम्मच, कुटी हुई मिर्च, मिर्च को कम और ज़्यादा भी आप अपने स्वादानुसार कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर कलर देने के लिए मैंने ये 2 चम्मच जो है लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च पाउडर निकाला है और ये हींग है, हींग भी इसमें पड़ेगी। और 1 चम्मच मैं अजवाइन डालूँगी, 1 चम्मच जीरा डालूँगी और 1 चम्मच मेथी दाना मैं इसमें डालूँगी। सबसे पहले ये गैस जला के मैं पैन को गर्म करती हूँ और मैं पैन में मैंने धनिया डाल दिया है। अब धनिया को अगर हल्का सिक जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें और चीज़ें डालूंगी। धनिया के बाद 1 चम्मच मैंने इसमें मेथी दाना भी ऐड कर दिया है। साथ में 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, 1/2 चम्मच मैंने इसमें अजवाइन डाल दिया है। 2 चम्मच सौंफ है, ये भी मैं इनके साथ धनिया के साथ भून लूंगी और बाकी काली मिर्च भी इसी के साथ सेक लूँगी। अब हल्की आंच में ये भूनने मसाले, इसमें जब तक सौंधी सौंधी खुशबू प्यारी सी नहीं आ जाती तब तक इन्हें भूनना है। अब इसे एक पॉट में खाली कर लेते हैं। इस प्लेट में निकाल दिया है, अब मैं इसका ठंडा थोड़ा हल्का इसको ठंडा होने का वेट करूँगी। पैन में मसाले के ठंडे होने तक 250 ml तेल डालती हूँ। तेल को मैंने गर्म करने रखा है, सरसों का तेल डालती हूँ।
अच्छी क्वालिटी का सरसों का तेल है और अचार बहुत अच्छे लंबे टाइम तक चल जाता है। ठंडा किया हुआ मसाला मैंने इसमें मिक्सी में डाल के अब मैं इसे पीस रही हूँ। मसाला मेरा ये पीस गया है, दरदरा मैंने इसको पीसा है, बहुत बारीक नहीं करना है। तेल को मैं थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी, उसके बाद इसमें सब मसाले मिलाऊंगी, क्योंकि गरम तो कुछ मसाला मैं इसमें साबुत भी ऐड करूंगी। मैंने पंचफोड़न मसाला अपने घर में तैयार किया है, जिसमें सौंफ है और कलौंजी है और मेथी दाना है, अजवाइन है और धनिया है। ये साबुत मसाले को ये बाज़ार में ही बना बनाया मिलता है। अब मैं इस ऑयल में मैंने ये डाल दिया। इसके बाद मैं इसमें आधी चम्मच करीब हींग डालूंगी। पंचफोरन मसाला भी अच्छी तरह हल्का सा भुन गया है, तो मैंने जो दरदरा मसाला पीसा था उस मसाले को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इंग्रेडिएंट है राई, 2 चम्मच मैंने इसमें राई ऐड की है। काला नमक डाला है, 2 चम्मच मैंने इसमें ये अमचूर पाउडर डाला है। स्वादा अनुसार आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाल रखी है, ये करीब 2 चम्मच लाल मिर्च भी है, और इसका बहुत ही सुंदर कलर देने के लिए मैंने इसमें 2 चम्मच जो है कश्मीरी मिर्च डाली है। इस तरह से मेरा ये पूरा मिक्सचर जो है अचार के मसाले का तैयार हो गया। को मैं इस अपनी जो मैंने कल मटर वो की थी बॉईल करके जो सुखाई थी उसमें मैंने ये मिला दिया। पूरे अचार अब मसाले को मैंने इसमें बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के इस तरह से बाद में अगर आप लंबे समय तक के लिए इस अचार को रखना चाहते हैं, पूरे साल भर तक आपका ये अचार बिना किसी ये चल जाता है, पूरे साल भर तक के लिए इसको अगर प्रिजर्व करना चाहते हैं आप, तो मैं इसमें विनेगर डालने के पश्चात मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक कम ज़्यादा आप अपनी स्वादानुसार किसी भी प्रकार डाल सकते हैं, जितना आपको इसका टेस्ट पसंद है नमक का। काला नमक भी मैंने इसमें डाला है, इसलिए मैंने एक बड़े चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। अब ये मटर का अचार हमारा बनके तैयार हो गया। देखिए कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर है, देखिए है। इसके बाद कोई साफ सूखा बर्तन लेके, अगर बर्तन कांच का हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, उसको किसी ड्राई कपड़े से पोंछ के साफ करके तभी आप इस अचार को ऐसे प्रिजर्व करें। दोस्तों मैं एक और इसका वो है, प्रिजर्व करने का एक तरीका है कि आप ये अचार को बढ़िया तरीके से भर दें और 1-2 दिन इसको इसी में रहने दें, उसके बाद इसके ऊपर मोम की कोटिंग कर दें। मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने एक अपने आम के छुंदे में किस तरह से मोम की कोटिंग की है। पिछले साल मैंने आम का छुंदा बनाया था, तो इसके ऊपर एक मोम की लेयर मैंने इस तरह से टपका दी। इस अचार को अगर मैं 2 साल तक भी इस छुंदे को अगर ना खोलूँ तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें जो है एयर का आना जाना बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सील्ड हो गया है। आप ये मटर के अचार को भी 1-2 दिन रखने के बाद, क्योंकि ये घट जाएगा रखने के बाद, तो इसे जब ये पूरी तरह बिल्कुल स्थिर हो जाए एक जगह पे, तो आप इस तरह मोम की कोटिंग करके इसे और पूरे साल भर इसको चला सकते हैं। ये अचार की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर किसी नई जानकारी के साथ बहुत जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।